आज हमारे सेंटर में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आए हुए हैं इंदौर से। मिसेस शर्मा का पिछले 8 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है संधिवात का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इनको लगभग 4 से 5 साल से संधिवात की प्रॉब्लम है और पिछले 8 महीने में जो इनको चलने फिरने में तकलीफ हुआ करती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। अब ये सीढ़ी भी चढ़ पाते हैं, सीधे से चल पाते हैं और रिसेंटली हमने इनका एक एक्सरे लिया है तो एक्सरे के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एनकरेजिंग है। तो मैं चाहूँगा कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे ट्रीटमेंट के बारे में, वो पर्सनली आपसे शेयर करें। तो कृपया आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को, कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंसेस रहा इन प्रोडक्ट से, थेरेपी से और जो प्रिकॉशंस वगैरह आपको बताए गए थे उनसे, प्लीज। इनको हमेशा थोड़ा बहुत घुटने में दर्द रहता था, कभी पेन किलर लेती थी। एक दिन क्या हुआ कि बाथरूम के बाहर वॉश बेसिन के पास में पानी गिरा हुआ था, वहां पर ये गई तो स्लिप हो गई। अच्छा, गिर गई, उठनी बैठ गई है। फिर इनको मैंने, मेरे लड़के ने मेरे को उठाया और फिर इनका देखा दर्द ज्यादा था, थोड़ा मालिश वालिश किया। फिर दूसरे दिन इनको सीनरी हॉस्पिटल में ले गए इंदौर में। वहाँ डॉक्टर से मिला तो उन्होंने इनका एक्सरे किया। एक्सरे में कुछ रिपोर्ट ऐसी थी कि उनको बोला कि इनको जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, ये कब की बात है? सन 2015 की बात है। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद में फिर हम एक्सरे लेके आए। इनके भाई है, बड़े भाई है, डॉक्टर है इंदौर में, एमडी डॉक्टर है। उनसे सलाह ली तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, अभी इनकी उम्र कम है और अभी ऑपरेशन नहीं कराना। अगर ऑपरेशन कराएंगे बाद में 15 साल फिर घुटने बदलने पड़ेंगे, फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने एक्सरसाइज बताई और पेन किलर दे दिए। जब ये एक्सरसाइज करती रही तो थोड़ा बहुत इनको ठीक हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। ऐसे टाइम चलता रहा। फिर एक दिन मैंने मोबाइल में देखा आपका फेसबुक में लेक्चर सुना आपका, मैंने मुझे कुछ लगा कि इससे कुछ फायदा हो सकता है। ये कितने समय पहले की बात है? ये 2018 की बात है। तो मैंने आपसे बात किया, आपने फिर दवा भेजी मेरे को, 3-4 हजार की दवा थी पर मंथ की, मैंने उसको मंगाया और इसको देना शुरू किया। इसमें इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। आपसे कांटेक्ट हुआ कि एक्सरे मंगाना देखना चाहते हैं। आपके सन से भी मेरा बात हुआ था, आपके सन तो यहीं पे ही काम करते हैं, तो उनसे भी मेरा मशवरा हुआ था, इस बारे में डिस्कशन हुआ था। तो हमने कहा ठीक है, हम बॉम्बे आएंगे तो एक्सरे लेके आएंगे, लेकिन हम भूल गए जब आए तो आपसे आपको चेक करा और आपने एक्सरे मांगा, हमने कहा नहीं एक्सरे अभी, तो हम दोबारा आएंगे, हर साल आते हैं हम लोग, तो फिर आपको बताएंगे। तो आपने कहा था कि पुराना एक्सरे कराना, नया भी एक्सरे बताना हमको। हमने कहा ठीक है। तो अभी हम आए हैं 2019 में, जून 2020 में आए तो एक्सरे करवा के आए। अब इनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, उसमें दर्द कम है, घुटने में दर्द नहीं होता। मैंने देखा कि इतना इम्प्रूवमेंट है कि थोड़ा डांस भी करती है, चल भी लेती है। क्या बात है, डांस कर पाते हैं? आपका कैसा अनुभव रहा, आप बताएं। हाँ, डांस करा था मैंने। ये शादी में कहीं जाती है, फैमिली के साथ डांस करती है, होली पे भी डांस किया उन्होंने। तो हमें कुछ एक डांस की क्लिप भेजें, हम भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कि मेरे साथ में ये हकीकत का एक वाकया हुआ, मेरी एक रिलेटिव है तो वो है ग्वालियर में, तो उनको हकीकत में उनके घुटने में, उनकी एज तो कम है, करीब 39-40 के आसपास होगी, पर उनका वजन ज्यादा है। तो उनका एक दिन मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसा तकलीफ है, तो उनको भी मैंने यही दवा भेजी थी। आप भी 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश ले रहे हैं? जी। तो 4 स्टेप जॉइंट फ्रेश मैंने उनको भी भेजा था। तो अभी इस बार मेरा एक शादी में जाना हुआ तो मैंने उनको स्टेज पर डांस करते हुए देखा। अच्छा। तो मेरे को काफी सरप्राइज हुआ कि भाई ये भी संभव है। तो अगर इस तरह का आपके साथ में एक्सपीरियंस हुआ है तो काफी अच्छा है। आप भी, आपकी जो तकलीफ है उसके बारे में और बताएं, किस तरह से आपने दवाई लेना शुरू किया, क्या क्या बेनिफिट हुए? दर्द की गोलियों वगैरह आपकी पहले चलती थी क्या? कुछ पहले दर्द तो पेन किलर की चलती थी, तो फिर धीरे धीरे आपकी दवाई से बंद हो गई।
तो अभी उस समय आप कितना पेन किलर लेते थे दिन का? दिन में पहले शुरुआत में 2 से करीब सुबह शाम, फिर धीरे धीरे वीकली आ गई, फिर मंथली हो गया, मतलब धीरे धीरे दर्द की गोलियां हो गई, हो गया एक मतलब गोली लेनी है, ऐसे पैर हो जाते थे कि अब गिरी दर्द की गोली अगर नहीं लेते। फिर जब ये फोर स्टेप और जॉइंट फ्रेश चालू किया, यही दोनों लिए ना आपने? उसके बाद 2 गिलास पानी और पीती हूँ, बहुत फायदा हुआ उससे। उसके बाद मैं 2 खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल लेती हूँ, फिर रात को 2 कैप्सूल लेती हूँ, कैल्शियम की गोली लेती हूँ, साथ में विटामिन डी भी लेते होंगे, विटामिन डी और कैल्शियम। उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने अभी चेंज भी करी, कैल्शियम पानी में घुलने वाली, हाँ ओपीडी चालू किया। अच्छा मेरे को एक बात और बताएं कि ये जो दर्द की दवाइयाँ लेते थे वो कितने समय के बाद में लेना कम होता चला गया? ये जब यहाँ का इलाज शुरू किया तो कितने समय बाद आपको फिर उसकी जरूरत उतनी नहीं? अभी मेरे को 8 महीने हो गए ये दवाई लेते हुए। तो जब ये आपने 8 महीने पहले शुरू किया था उस समय रोज की गोलियां लेते थे? नहीं, एक गोली ले रही थी ओके। अभी मैंने 4 महीने से तो बिल्कुल नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली। अच्छा पहले कितने दिन में लेनी पड़ती थी आपको? 1 महीने में, शुरू में तो बहुत दर्द था जब तो मैं लेती थी। मतलब कितने दिन में, रोज की लेते थे या फिर कुछ? रोज की भी ली है मैंने शुरू में, तो रोज की लेते थे दर्द की गोली। फिर 15 दिन में एक गोली लेने लगी। और अभी 4 महीने से दर्द की गोलियां नहीं लेते? आपका जो इलाज चला कंटिन्यू, फिर मैंने सोचा कि 1 महीने अपन ने दवाई ली है तो कुछ आया है फर्क, तो अपन कंटिन्यू करें इसको। तो अब 8 महीने हो गए, अभी 8 महीने लगातार, 8 महीने में मेरे पेन किलर बिल्कुल छूट गए, छूट गए। अभी कितने महीने हो गए पेन किलर नहीं लेते हुए? पेन किलर लेते हुए 5 महीने से जरा भी पेन किलर नहीं ले रहे। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपके एक्सरे भी निकालता हूँ और एक्सरे फिर मैं इन लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसमें जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, इसको आप कंटिन्यू करें। हाँ 10-20 मिनट के बीच में घूम लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो पैर में बांधना और ये सब सिकाई करना ये सब करती हूँ। तो देखिए मैं आपके साथ में उनके मिसेज शर्मा के एक्सरे शेयर करना चाहूंगा। ये 3 साल पुराना एक्सरे है और इसमें स्पेसिफिकली देखें ये जो मीडियल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल में फीमर और टीबिया के लेफ्ट लेग के अंदर गैप जरा भी नहीं बचा है। ये मेन प्रॉब्लम यहाँ पर इनको था। साथ में इधर भी आप देखिए राइट साइड में भी ये अंदर की तरफ जो गैप है वो काफी कम हो गया था और इसके कारण इनको मेन तकलीफ होती थी। और जो 3 साल पहले सर्जरी के लिए बोला गया था वो इसी गैप को देख करके, गैप में जो कमी हो गई थी उसको देख करके इनको बोला गया था कि आप बेटर है कि इसका सर्जरी करा लें। पर चूंकि उन्होंने सर्जरी नहीं कराया, एक्सरसाइज और पेन किलर्स के बेस पे उन्होंने आगे प्रपोगेट किया इस चीज को। और जब लास्ट ईयर उन्होंने जब संपर्क में आए और 4 स्टेप जॉइंट फ्रेश और बाकी के दवाइयां इन्होंने बोन के सपोर्ट के लिए कैल्शियम विटामिन डी वगैरह शुरू किया, तो 8 महीने के बाद में जो दूसरा एक्सरे हम लोगों ने निकाला उसके अंदर रिजल्ट्स काफी एनकरेजिंग मिले। यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज है, एक तो इसकी डेट एक्सरे की और दूसरा ये गैप, इसको आप जरा ध्यान से देखें। अब मैं एक्सरे ये चेंज करके नया एक्सरे लगाऊंगा जो 8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में हम लोगों ने निकाला। देखिए ये इनका नया एक्सरे है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पर जहां पर
आपको पहले गैप काफी कम दिख रहा था, वहां पर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ये अभी का पिक्चर है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। डेट है ये 11 जून 2019 की डेट के अंदर इस एक्सरे को निकाला गया है। और यहाँ पर देखिए सिचुएशन, और ये एक्सरे में कंपैरिजन के लिए आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए ये वाला गैप देखिए, यहाँ पर ये देखिए और उधर देखिए, ये गैप दिखाई दे रहा है, ये आज की स्थिति है। और इसके साथ में इसमें थोड़ा सा वेरस डिफॉर्मिटी है, इसमें जो अंदर की तरफ हड्डियां पास में आ गई हैं और घुटने हल्के से दूर चले गए हैं, तो उसको और करेक्ट करने के लिए मैंने उनको सजेस्ट किया है कि ये इस तरह का इंसोल भी यूज करना चालू करें, जो उन्होंने अपनी चप्पल के अंदर लगा के यूज करना शुरू किया है। तो इससे जो बॉडी का वेट है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए एक साइड में पतला होता है ये सोल, एक साइड में जाड़ा होता है। तो ये जो इनका बॉडी का वेट इस समय यहाँ अंदर की तरफ से निकल रहा है, जहां पर ऑलरेडी कार्टिलेज डैमेज है, उसकी जगह ये वजन शिफ्ट हो जाएगा बाहर की साइड में, जहां पर कंपैरेटिवली कार्टिलेज अच्छी कंडीशन में है। तो ये साथ में इंसोल यूज करेंगे तो इनको और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी ये तो हमने 8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में इनका एक्सरे निकाला है, अब हम एक एक्सरे और इनका 6 या 8 महीने के बाद में लेंगे और ग्रेजुअली अब इनकी दवाइयां घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये जॉइंट फ्रेश पाउडर लेते हैं, साथ में 4 स्टेप कैप्सूल 2 सुबह 2 शाम लेते हैं। अब इसको हम रिड्यूस करके पाउडर से इनको टैबलेट पर शिफ्ट करेंगे, एक एक दिन में 3 टाइम जो उनको लेनी है, और कैप्सूल जो लेते हैं 4 स्टेप का वो भी एक एक दिन में 3 टाइम करेंगे, जिससे थोड़ी उनकी इकोनॉमी भी होगी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट रियल में कॉस्टली पड़ता है, उसके बाद में थोड़ी सी इसकी कॉस्ट भी घटेगी। और 6 महीने के बाद में या 9 महीने के बाद में प्रोबेबली इन 2 दवाइयों की जगह 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश की जगह हम एक ही गोली को कंटिन्यू करेंगे एक एक दिन में 3 टाइम्स। तो पूरी तरह से फिर इनका ट्रीटमेंट जो है अंडर कॉस्ट कंट्रोल आ जाएगा, एंड दैट शी हैव टू कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू।